तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और इस अक्टूबर में एक शानदार बॉम्ब फटने वाला है। किस नाम का? लियो नाम का। हाँ, साथ में गणपत नाम का भी बॉम्ब फटेगा, लेकिन अभी हम लियो को कवर अप करेंगे। लियो के एडवांस क्विंग के बारे में बात करेंगे, कितनी एडवांस क्विंग में कैसा क्या सीनेरियो चल रहा है, ओवरसीज से क्या कलेक्शन आ रहा है, लियो की रन टाइम कितनी होने वाली है, सर्टिफिकेशन कैसा मिल रहा है, प्रमोशन कैसे चल रहे हैं, और भी ट्रेलर का ये सबसे बड़ा जो ह्यूज अपडेट आने वाली है, ट्रेलर कब आने वाला है भाई साहब, सब बताऊंगा एक एक करके क्या क्या चल रहा है और प्रमोशन का अंदाज किस हट के चल रहा है। मज़ा आ रहा है ये चीज़ देखकर। तो भी आगे बात करेंगे डिटेल टू डिटेल, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अगर काम पसंद आता है ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले ही बता दूं, लियो की रन टाइम होने वाली है 159 मिनट की, मतलब 2 घंटा 39 मिनट की, और मूवी को यूए सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, मतलब मूवी को यूए सर्टिफिकेशन दी गई, तो ज़बरदस्त है। आप फैमिली के साथ भी जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, कोई भी ऐसा आपको अभद्र सीन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यूए सर्टिफिकेशन होता ही फैमिली ऑडियंस के लिए है। तो एडवांस बुकिंग की बात करते हैं सबसे पहले। ओवरसीज़ में कैसी चल रही है? ज़बरदस्त चल रही है, जिसमें यूके से बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, भयंकर लेवल की वो कलेक्शन हो रही है यूके से, और यहाँ बुकिंग भी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, कहाँ, यूके में, और भी यूरोपियन कंट्री के कुछ आसपास देश थे उनमें भी। तो सबसे ज़्यादा हाई कलेक्शन अभी यूरोपियन कंट्री से ही देखने को मिल रहा है, जिसमें यूके सबसे ऊपर है, उसके बाद फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, यहाँ पर जो बुकिंग चालू हो चुकी है यहाँ से भी सॉलिड रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अभी तक अगर मैं बताऊँ तो कल तक मूवी ने 35,000 से ऊपर टिकट सेल कर चुकी थी यूके में, और लियोम के नॉर्वे के हाल बताऊं तो टोटल प्री सेल्स कल तक का बताऊं, कल शाम तक का, तो 2624 टिकट ये वहां बेच चुके थे, और अमेजिंग, क्योंकि नॉर्वे जैसी जगह में इतना हाई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन लियो अच्छा कर रही है। साउथ की ये मूवी मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है कि यूके में, मतलब यूरोपियन कंट्री में अच्छी पकड़ बनाते दिख रही है बजाय यूएसए के। तो यूएसए में भी अच्छी सेल चल रही है, ऐसा नहीं कि यूएसए में बिल्कुल कमी है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लगभग 270 प्लस लोकेशंस पर 600 प्लस शोज इसके खाते में आ चुके हैं यूएसए से, और लगभग 11,000 से ऊपर टिकट ये सोल्ड आउट कर चुके हैं यूएसए से। अभी यूएई का बताऊं तो यूएई में भी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, वहां पर भी आईमैक्स अच्छी खासी ओपन करी जानी है, प्रीमियर शोज भी अभी ओपन करे जाने हैं, तो यूएई में भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर मैं क्लियर नंबर बताऊं तो कितना कितना आ चुका है, तो अभी सिर्फ यूएसए, यूके से ही क्लियर नंबर आया है, और यूरोपियन कंट्री के कुछ एक जगह से क्लियर नंबर आ रहा है, बाकी जगह से नहीं आया है। तो यूएसए का बताऊं तो 350,000 यूएस डॉलर का कलेक्शन ये यूएसए से कर चुकी है, जबरदस्त है, और यूके अभी नंबर वन पर है, यूके से हाईएस्ट कलेक्शन कर रही है 450,000 यूएस डॉलर। जी हां दोस्तों, 450,000 यूएस डॉलर का कलेक्शन यूके से अभी तक कर चुकी है ये मूवी, और यूरोप की कुछ एक कंट्री लाइक जर्मनी, नॉर्वे को मिलाकर यह मूवी कर चुकी है 130,000 यूएस डॉलर का कलेक्शन, और टोटल हो जाता है अभी तक का 930,000 यूएस डॉलर का ह्यूज एडवांस बुकिंग कलेक्शन। सॉलिड है, सॉलिड रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो ओवरसीज से जबरदस्त कमाई करने वाली है। अगर ओवरसीज से ना ये जबरदस्त कमाई कर जाती है और भी ज़्यादा, जो अभी तो खैर 18 दिन पूरे बाकी हैं, मे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाए, और मिलेगा ही, क्योंकि अभी से ही जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। किसी एक जगह में एक रिपोर्ट ये भी देख रहा था, यूके में इंडियन सिनेमा की टॉप पाँचवीं की लिस्ट में, टॉप फाइव मूवीज़ की लिस्ट में आ चुकी, जिसमें पठान नंबर वन पर थी, या फिर जवान नंबर वन पर थी, और उसके बाद चौथे नंबर पर लियो का नाम आ रहा है, अभी से ही 18 दिन पहले से ही एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में, यूके का बता रहा हूँ। तो यस, अच्छा कलेक्शन आएगा, जैसे जवान को यूएसए से बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिला, और लियो को यूके से अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। और मैं अगर टैक्स बताऊँ, मतलब प्रमोशन के जो स्टाइल चल रहे हैं, ब्लडी स्वीट, लियो मैनिया एवरीवेयर, और क्या कहते हैं, अभी आज से देखने को मिल रहा है लियो मंथ्स बिगिन, तो ये जो ब्रांडिंग देखने को मिल रही है ना लियो की ना, ये प्रमोशन नहीं, ये जबरदस्त ब्रांडिंग सेट करी जा रही है, और जबरदस्त सेट करी जा रही है, उसके पोस्टर्स बहुत हटके निकल रहे हैं अलग ही हिसाब के। और आज अगर मैं लियो के ट्रेलर का अपडेट बताऊं तो ब्लडी सून करके लिखा रहा था, तो ये एक अलग तरह का जो कॉम्बिनेशन सेट करके चल रहे हैं ना, वर्डिंग के साथ जो प्ले कर रहे हैं, वर्ड प्ले, ब्रांडिंग सेट कर रहे हैं, जबरदस्त सेट कर रहे हैं। तो ये बताऊं कि जो प्रमोशन अधिकतर चल रहे हैं वो साउथ में ही चल रहे हैं, नॉर्थ बेल्ट में इतना प्रमोशन देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर चलो नॉर्थ बेल्ट में प्रमोशन कर भी लेती हैं तो टाइगर श्रॉफ यहाँ इन्हें पनपने नहीं देगा इस बार। गणपत मूवी जो डिस्टोपियन एरा की जो स्टार्टिंग करी है ना हमारे टाइगर श्रॉफ ने, भाई साहब ये पनपने नहीं देगा इसको यहाँ पर, बाय गॉड, इस बार लियो की। पर ऐसा नहीं है कि थालापति विजय की नॉर्थ बेल्ट में अच्छी फैन फॉलोइंग नहीं है, जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लेकिन
टाइगर श्रॉफ का अभी जो क्रेज चल रहा है ना, जबरदस्त चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा ना, गणपत मूवी के जो मेकर हैं, पूजा एंटरटेनमेंट जो मेकर्स हैं, ये क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। लियो को अगर दूसरी तरफ देखें तो जबरदस्त प्रमोशन चल रहा है उनका, लेकिन गणपत मूवी की तरफ से इतना प्रमोशन नहीं चल रहा है। हालांकि मूवी को 19 दिन रह गए हैं, 20 अक्टूबर को रिलीज होनी है गणपत भी, और लियो होनी है 19 अक्टूबर को रिलीज। तो देखा जाए तो भैया इन्हें भी प्रमोशन करना चाहिए अगर ह्यूज कलेक्शन करनी है तब। तो अभी करके अगर मैं बताऊं प्रमोशन की ही बात बताऊं लियो की, तो लियो बैडेस लिरिक सॉन्ग जो निकला भाई साहब ऑसम था, मुझे दिल से पसंद आया। हालांकि मुझे लैंग्वेज लिरिक बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि तमिल लैंग्वेज थी तो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे आती नहीं है। बट जो म्यूजिक था एक नंबर था, ऑसम था बिल्कुल। देखो नॉर्मली मैं वर्कआउट करता हूं, तो यस आई लाइक दिस टाइप ऑफ बूस्टर म्यूजिक और एनर्जेटिक म्यूजिक हम कह सकते हैं, जबरदस्त है। तो मैं कहूंगा ना अनिरुद्ध रविचंद्रन ये बंदा म्यूजिक कंपोजिंग की दुनिया में आग लगाने वाला है, आगे आने वाले समय में जबरदस्त चमकने वाला है। क्योंकि हाल फिलहाल में इस बंदे ने जवान में भी म्यूजिक दे रखा है, तो वहां से जो नाम कमाया, अभी लियो बैडेस लिरिक में जब इसका नाम देखा ना, तो यस इजी चॉइस हो गई मेरे लिए कि यस यार एक बार सुनते हैं इसको क्या है। तो मजा आया सुनने में, तो यस इस बंदे को बूस्टर मिलेगा और जबरदस्त मिलेगा। मेकर्स अभी ये जो महीना स्टार्ट हुआ है अक्टूबर का, इसे ना बैडेस मंथ बिगिंस भी कह रहे हैं, इसे हाईलाइट कर रहे हैं बैडेस मंथ बिगिंस करके। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ब्रांडिंग सेट कर रहे हैं और जबरदस्त ब्रांडिंग सेट कर रहे हैं। तो ये अमेजिंग स्किल है प्रमोशन की और नई तरीके से देखने को मिल रहा है ना। इसे और भी कोई अप्लाई करेगा तो जबरदस्त देखने को मिलेगा। देखो अब आते हैं फाइनल टॉक पर, ट्रेलर के लिए क्या गुत्थम गुत्था चल रही, क्या ट्राई चल रहा है मेकर्स की तरफ से। तो मैं आज से देख रहा हूँ, और लियो के एक मेकर्स ने अभी आज ही शायद किसी प्रमोशन में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी किया है क्या कि ट्रेलर जल्द ही आने वाला है, ट्रेलर विल कम वेरी सून, ऐसा करके उनके वर्डिंग थे। तो मेकर्स अभी ना बहुत एक्टिव हो चुके हैं, मतलब ट्विटर पर खुद ही लियो हैशटैग लियो ट्रेलर करके रैंक कराने हैं। तो मे बी चांसेस है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर हमें लियो का ट्रेलर देखने को मिल सकता है, मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही हमें ट्रेलर कभी भी देखने को मिल सकता है। हु नोज कल 2 अक्टूबर को ये अनाउंस कर दें ट्रेलर के लिए। बट अगर देखा जाए तो कल 2 अक्टूबर बेस्ट डेट है, क्योंकि कल गांधी जयंती है। तो हो सकता है अगर कल नहीं तो 2-3 दिन के अंदर हमें अनाउंसमेंट मिल जाएगी, और हो सकता है या फिर ट्रेलर ही मिल जाए सीधे, लेकिन फर्स्ट वीक में हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा इतना तो। दूसरा, ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है, मैं अभी मान के चल रहा हूँ ओवरसीज का जो रुझान देखने को मिल रहा है 18 दिन पहले से ही, मैं मान के चल रहा हूँ ये मूवी 700 करोड़ टच करेगी, मे बी इससे ऊपर चले जाएगी, लेकिन 700 करोड़ टच करने वाली है। तो आप लोगों की क्या राय है, मूवी कितना लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और ट्रेलर के लिए आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो भी बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।